सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। वेलकम टू महिंद्रा गुरु theofficialyoutubechannelofmahindraguru.com एंड वी आर बैक विद अवर शो दैट इज मिथबस्टर। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, आज मिथबस्टर में आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, दैट इज इन्फ्लेशन पार्ट वन। बिल्कुल सही, इन्फ्लेशन पार्ट वन की बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या उसके टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे उसके कॉज होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले जितने भी जो जुड़ चुके हैं उन सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लोग इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं रोल। तो बिल्कुल सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट ध्यान रखें इस बात का, क्या रखना है ध्यान, कि जो जो आपकी क्वेरी होती है उस क्वेरी को आप ऑनलाइन पीएसएस में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया है आपको, आज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको पहले सभी का मैं क्या कहूंगा, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जितने व्यूअर जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं क्या है खास इस पर्टिकुलर सेशन में। क्या आप रेडी हैं, मुझे फटाफट बताइए, आर यू रेडी गाइस? देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपका इसका क्या आ जाता है, फटाफट देखते हैं। आज का टॉपिक आ गया इन्फ्लेशन आपके सामने, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या आपको पता है व्हाट इज इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स? इन्फ्लेशन या फिर क्या है हिंदी में मुद्रास्फीति, क्या होती है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जानेंगे। इन्फ्लेशन व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज मेजर्ड एज एन एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, गौर से सुनिएगा, मुद्रास्फीति, चीजों या वस्तुओं के दामों में जब बढ़ोतरी होती है तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस एनहेंस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर पूछा जाए व्हाट इज इन्फ्लेशन तो सिंपल शब्दों में आपको क्या बताना है, जब वस्तुओं के दाम में क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्यों होता है इन्फ्लेशन, क्या आपको आइडिया है, व्हाट इज द मेन मोटो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या आपको पता है? अगर पता है तो फटाफट लिख दीजिए, मैं देखना चाहूंगा किन लोगों को पता है क्या कि इन्फ्लेशन होता है क्या और किसकी वजह से होता है। लेकिन उसको जानने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ जाना, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन में मनी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, फटाफट लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से देखना चाहता हूं कि किन लोगों को पता है कि मनी वैल्यू पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसका आंसर आपके सामने आ गया, एज इन्फ्लेशन राइजेस एवरी रूपी यू ओन बाइज ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड और सर्विसेज। बिल्कुल सही, अब ये क्या है जरा गौर से सुनिएगा, मेरा कहना है जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए, और जब प्राइसेस बढ़ गए तो मनी की वैल्यू कम हो गई। कम कैसे हो गई, जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूं। मान लीजिए, गौर से सुनिएगा, एक चॉकलेट की कीमत है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज की कीमत वाली एक चॉकलेट अगर 100 रुपए की बात करी जाए तो कितनी आएंगी स्टूडेंट्स, कोई आइडिया है? बिल्कुल 100 में 20 कितनी बार आता है, बिल्कुल 5 चॉकलेट आप परचेज कर सकते हैं। तो 5 चॉकलेट खरीद सकते हैं 20 रुपए की एक है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो 100 रुपए में आपने परचेस कर ली 20 रुपीज वाली 5 चॉकलेट्स, अब हो गया इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन हो गया इसका मतलब प्राइस बढ़ गया है चॉकलेट का, अब ये 20 रुपए की चॉकलेट हो गई है 25 रुपए की, तो 25 रुपए की चॉकलेट हो गई है, तो अगर बात करें 100 रुपए में, तो इस 100 रुपए में अब आप कितनी चॉकलेट परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका 4, तो 4 चॉकलेट्स आप परचेस कर सकते हैं अब उसी पर्टिकुलर 100 रुपए में, जो कि आप इन्फ्लेशन से पहले आप कितनी परचेस कर पा रहे थे, 5 कर पा रहे थे। इसका मतलब इन्फ्लेशन होने से जो 100 रुपए की वैल्यू है वो बढ़ गई या घट गई, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है, मैं जानता हूं मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। कहां आप 100 रुपए में 5 क्वांटिटी परचेस करते थे, आज उसी 100 रुपए में कितनी कर पा रहे हैं, केवल 4 क्वांटिटी कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी की वैल्यू बढ़ती नहीं घटती है, जबकि प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर आ गया तो फटाफट ओके लिखिए, मैं आगे बढ़ूं।
तो देखते हैं इसके बाद क्या लिख रहा है। द वैल्यू ऑफ रुपी डज नॉट स्टे कॉन्स्टेंट व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो मनी की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है तो जो प्राइसेस होंगे वो क्या करेंगे, शूट करेंगे, एनहांस करेंगे। तो बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हैं, यहां पर मनी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, मनी की वैल्यू क्या होगी, मनी की वैल्यू शूट अप हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। The value of rupee is observed in terms of purchasing power. देखिए inflation के समय में money की value को कैसे count किया जाता है कि लोग कितना ज़्यादा purchase कर पा रहे हैं, मतलब purchasing power के behalf पे एक इंसान कितना पैसे अपने पास, जो भी पैसा है उस पैसे से कितनी quantity को purchase कर पा रहा है उसके behalf पे हम find out करते हैं क्या कि आपका purchasing power क्या है या फिर उस समय money की value क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आपको आ गई होगी अच्छे से, क्या कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन से मनी की वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस तरह का एग्जांपल, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो चलिए ठीक है आपको पता है, इंटरव्यू में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं सिंपल क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जनरली आंसर क्या होता है, हमने रेट रखा होता है क्या कि इन्फ्लेशन है इसका मतलब मनी की वैल्यू नहीं, मनी का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब आप जो बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस शूट कर जाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहां पे मनी की वैल्यू की तो मनी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखते हैं इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है कारण, क्या कारण है जिनकी वजह से आपका ये इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है। ट्रिगर का मतलब होता है इनिशिएट होता है या फिर क्या स्टार्ट होता है। देखते हैं क्या कारण है। सबसे पहले आ रहा है डिमांड पुल, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच डिमांड्स ऑफ द पीपल एक्सीडेड द सप्लाई अवेलेबल विच ट्रिगर्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो काफी बड़ा सा लिख दिया है, क्या होता है जरा जानेंगे सिंपल शब्दों में, डिमांड कैसे बढ़ी, क्या हो गया जरा गौर से सुनिएगा कैसे करते हैं। यहां पर बात आ रही है डिमांड पुल, हर चीज का मतलब उसके वर्ड में छुपा होता है स्टूडेंट्स। तो डिमांड की वजह से पुल हुआ क्या, इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड ने इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर दिया या स्टार्ट कर दिया। कैसे करते हैं जरा गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं आप सभी की पॉकेट में खूब सारा पैसा है, ऐसे में खूब सारा पैसा होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी क्या घट जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब है आपकी पैसे, अगर पॉकेट में खूब सारा पैसा है तो आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए रेडी होगे कि नहीं होगे, बिल्कुल होगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक स्टाइलस है, मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूं, इसकी कीमत मात्र 10 रुपए है। तो ऐसे में आप सभी के पास पैसा है तो आपने क्या कहा, ठीक है मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं, ऐसा सभी ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से एक ने क्या किया, एक ने बोला कि मैं इसके लिए 12 रुपीज भी दूंगा, तब तक थर्ड पर्सन ने बोला मैं इसके लिए 20 रुपीज भी दूंगा। तो ऐसे में क्या अभी मैं इसको 10 रुपए में बेचूंगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। वाई, बिकॉज आई नो दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे, मैं देख रहा हूं कि कस्टमर अपनी इच्छा अनुसार पैसा देने के लिए रेडी है, तो मैं उसको उस प्राइस पे क्यों बेचूंगा। तो मैंने देखा कि मार्केट में डिमांड ज्यादा थी और उस डिमांड के चलते मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के दाम एनहेंस कर दिए, और जब एनहेंस कर दिए तो क्या हो गया, हो गया आपका इन्फ्लेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड, देखिए यहां पे क्या हुआ, आप लोगों या फिर कहें पब्लिक की डिमांड की वजह से जो प्राइस शूट हुए और इस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ क्यों, क्या आपको पता है, कारण ये है कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा थी और मनी की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से ही तो ये ट्रिगर हुआ है। क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ी और मनी की सप्लाई बढ़ते ही डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन अपने आप राइज हो गया। इट स्टार्ट्स विद एन इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोगों की डिमांड के बढ़ते ही इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है, क्योंकि जब डिमांड होगी तभी उसको मीट करने के लिए सप्लाई होगी। और जब सप्लाई देख पा रहे हैं कि आप डिमांड तो यहां हो गई और सप्लाई इतनी रह गई, तो उसको मैच करने के लिए क्या होगा, इस सप्लाई के दाम इंक्रीज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इट इज कॉज ड्यू टू एक्सेस मनी सप्लाई इन द मार्केट, अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा का पैसा है, इस वजह से क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर सप्लाई जो है वो तो उतनी ही लेवल पे है ना, या तो उस लेवल से उसकी सप्लाई भी बढ़ जाए, अगर सप्लाई बढ़ जाती है अबंडेंस हो जाता है तो मैच कर जाएगी, और जहां अगर सप्लाई नहीं बढ़ी डिमांड बढ़ गई उसके लेवल में, तो ऐसे में जैसे ही इंबैलेंस आया तो क्या करेगा, प्राइस फ्लक्चुएशन को ट्रिगर कर देगा, और यही क्या होता है, यही होता है आपका इन्फ्लेशन। तो इस तरह का उम्मीद करता हूं डिमांड पर इन्फ्लेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट की ओर। तो आ जाता है आपके सामने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए नाम ही बता देता है हर चीज, बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर आप उसकी मतलब समझ गए तो कॉस्ट की वजह से पुश किया गया, पुश मतलब होता है धक्का। तो यहां पे कॉस्ट की वजह से जब इन्फ्लेशन को पुश किया जाता है, और कैसे करती है जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कई चीजें बताता हूं, एक प्रोडक्ट बनता है तो मान लेता हूं ये स्टाइलस है, इस स्टाइलस को बनने में रॉ मटेरियल लगे होंगे, बिल्कुल, तो रॉ मटेरियल लगा, साथ में अब गौर से सुनिएगा लेबर इंक्लूड होंगे, जिन्होंने इनको बनाया होगा मजदूर वो भी तो होंगे, तो वो होंगे आपके वेज अर्नर्स या फिर एम्प्लॉय कह सकते हैं, वेज अर्नर्स भी जुड़ गए,
और साथ साथ जिस कंपनी ने ये बनाया होगा उस कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉफिट भी तो होगा। तो अब हम बात करें कंपनी, तो कंपनी भी जोड़ दी, इन सबको जब जोड़ देंगे उसके बाद टैक्स वगैरह जो लग जाएगा उसके बाद ही तो एमआरपी आपकी क्या होगी, एमआरपी सेट होगी। इतना उम्मीद करता हूं आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा एलाबरेट नहीं कर रहा हूं, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। इसको बनने में सबसे पहले रॉ मटेरियल आए होंगे, फिर आपका वेज अर्नर्स होंगे मतलब जो लेबर होंगे उनकी इनकम होगी, और साथ साथ जिस कंपनी का वो है वो कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉफिट होगा। उन सबको जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, तब आपकी एमआरपी सेट हो गई। अब जरा गौर से सुनिएगा, मान लेते हैं आपका इन सभी में 5-5 यूनिट लगती है तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। अब गौर से सुनिएगा, यही रॉ मटेरियल जो था अब वो 5 की जगह 10 रुपए में आने लगेगा। तो ऐसे में गौर से सुनिए, जो वेज अर्नर्स हैं उनकी तो फिक्स है 5 रुपए, तो 5 जो यूनिट है वो तो उनको जाएगी, लेकिन अगर अभी भी एमआरपी 15 रुपए रहेगी या 15 यूनिट रहेगी तो इंडिविजुअल प्रॉफिट कहां चला जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा ना। ऐसे में कोई कंपनी चाहेगी क्या कि उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट चला जाए, बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो ऐसे में वो क्या करेगी, इसको भी कांस्टेंट रखते हुए वो इस पर्टिकुलर प्राइस को क्या करेगी, एनहांस कर देगी। तो एमआरपी क्या हुआ, बढ़ गया, 15 से बढ़कर 20 हो गया। किस वजह से हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई थी, या फिर कहें इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है जिसकी वजह से फर्दर जो मेन एमआरपी होता है वो ट्रिगर कर जाता है, और जब चूंकि एमआरपी बढ़ गया तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। और ये क्यों आया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई थी, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट मतलब कॉस्ट की वजह से उसने पुश कर दिया क्या, इन्फ्लेशन को। तो उम्मीद करता हूं कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन कह रही, एन इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अल्टीमेटली ट्रिगर्स इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। जैसा कि आपने देखा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आपको लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया, क्या दिखाया कि जैसे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई, या फिर वेज की कॉस्ट बढ़ गई, या फिर और इनपुट कॉस्ट में अगर किसी भी तरह का स्लाइट इंक्रीमेंट होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपको मिलता है एमआरपी पे देखने में, या फिर क्या फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट के प्राइस पे। और जब ऐसा होता है तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन ट्रिगर हुआ वो क्या हुआ, वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो फटाफट लिख दीजिए, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बढ़ता हूं इसी के संग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है द इंक्रीज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू अ डिक्रीज सप्लाई ऑफ दिस गुड्स। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, सप्लाई और डिमांड दो बैलेंस होनी चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई उतनी ही है। अब सप्लाई इतनी होने के कारण क्या होगा, इस पर्टिकुलर सप्लाई को मीट करना इस बढ़ती हुई डिमांड को, ऐसे में क्या हुआ, प्राइसेस शूट होने लगे, क्योंकि उसी पर्टिकुलर अमाउंट से आपको क्या करना है, लोगों को पे करना है। तो उम्मीद करता हूं सामने आ गया होगा कैसे कैसे क्या चीज है। व्हाइल द डिमांड रिमेंस कांस्टेंट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज कॉजिंग अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी जो इसमें लिखी हमने आपको काफी सिंपल शब्दों में समझा दी है कि आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट है आपका वेज पुश। तो वेज पुश जैसा नाम बता रहा है, नाम में ही सब कुछ लिखा है, तो वेज पुश की बात करें कैसे होगा। मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बातें हैं एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या अर्न करते हैं, एम्प्लॉयज अर्न करते हैं वेज, और साथ साथ फिर बात आ गई कंपनी का इंडिविजुअल प्रॉफिट, तो सीपी स्टैंड फॉर कंपनीज प्रॉफिट, इनको बिहाफ पे ही एमआरपी सेट होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो ये चीजें सारी हो गई, मैंने वही कहा कि सबकी 5-5 यूनिट फिक्स है तो टोटल 15 यूनिट्स हो गई। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि मान लेते हैं बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, एक्चुअली वेज पुश भी एक इनपुट कॉस्ट की बात कहें या फिर कॉस्ट पुश का ही एक पार्ट है। कैसे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सब आता तो इनपुट कॉस्ट में ही है, और इनपुट कॉस्ट में कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार जो अर्नर्स हैं, वेज अर्नर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने डिमांड कर दी है क्या, उन्होंने डिमांड कर दी है वेज इंक्रीमेंट की। अब मान लीजिए ये 5 से 10 हो जाए, अब 5 से 10 हो जाने, जरा गौर से सुनिएगा, रॉ मटेरियल उतने के ही पड़ रहे हैं तो 5 कॉन्स्टेंट रहा, 10 ये हो गया, ये बढ़ गया, लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट अपना वो कम करेगी, बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी। इसलिए क्या करेगा, इस इफेक्ट को वो डायरेक्ट कैस्केड कर देगी, और इस प्राइस को कितना कर देगी, डायरेक्ट बढ़ा देगी। तो ऐसे में क्या हुआ, दोबारा से प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ गए तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ते ही इन्फ्लेशन आ गया, और जब इन्फ्लेशन आया तो इस बार क्यों आया, क्योंकि वेजेस के बढ़ने के कारण आपका उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको देखने को मिला किसमें, फाइनल प्रोडक्शन गुड्स के प्राइसेस में, और इस वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ वो क्या कहलाएगा, वेज पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखते हैं क्या कह रहा है वेज पुश इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट इज प्रीसीडेड बाय एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन वेजेस। जैसा कि आपने देखा कि वेज पुश इन्फ्लेशन कैसे ट्रिगर हुआ, जब वेजेस बढ़ गई लोगों की, और जब लोगों की वेजेस बढ़ गई इसका आपको एडवर्स इफेक्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पे देखने को मिल गया, और इसी को क्या कहते हैं, वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा है, इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वेज अर्नर्स। अब ये कैसे क्या है, जरा देख पा रहे हैं आप, देखिए यहां पर इमेज बनी है, ये इमेज बहुत कुछ बयां कर दे रही है। बयां कैसे कर दे रही है कि देखिए
वेज एडवांस हुआ उसके साथ साथ प्राइस और एडवांस हो गया। अब ये कैसे हुआ जरा गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुनिए। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक मार्केट स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे चल रहे हैं प्राइस, और चूंकि वर्कर्स की वेजेस इससे कम है तभी तो उन्होंने डिमांड किया होगा कि उनकी वेज इंक्रीज कर दीजिए, जिससे कि क्या हो वो इसको मैचअप कर पाए और अपनी नॉर्मल जीविका को नॉर्मल कर पाए। क्या बात समझ में आ रही है, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब एम्प्लॉयज का मार्केट की कंडीशन से हाल थोड़ा डाउन होगा, तभी तो उन्होंने वेजेस की इंक्रीमेंट की डिमांड करी है, क्योंकि उनका नॉर्मल जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। और नॉर्मल जीवन यापन नहीं हो रहा है, उन्होंने मार्केट में बोला कि हमारी वेजेस इंक्रीमेंट करिए, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है और हम लोग चला नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया गया, वेजेस को इंक्रीज कर दिया। अब जब वेजेस इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ साथ आपने देखा कि इसका डायरेक्टली इंपैक्ट क्या हुआ कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस के भी दाम बढ़ गए। तो अब ये बढ़ गए, दोबारा से ये गैप क्या हो गया, वो दोबारा से वही गैप आ गया। अब गौर से सुनिएगा कि अब ये एम्प्लॉय दोबारा कह सकता है क्या कि उसकी वेज को इंक्रीज करो, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना, क्योंकि अभी जैसे उसकी वेजेस को इंक्रीज किया गया है तो देखिए दोबारा से गैप आ गया। तो वो देख पा रहे हैं आप क्या, वेज एडवांस और प्राइस एडवांस में हमेशा जो गैप बना वो बरकरार रहा, और इसीलिए इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वेज अर्नर्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। दैट्स व्हाई वेज पुश इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि वेज अर्नर्स के ऊपर हमेशा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जहां उनकी वेजेस बढ़ी उसके साइमल्टेनियसली क्या क्या बढ़ गया, साथ साथ बढ़ गया क्या, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। तो प्लीज उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, वेज पुश समझ में आ गया अच्छे से। कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट होना चाहिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे क्या आता है। फिर आ जाता है प्राइसिंग पार। क्या होता है प्राइसिंग पार, अगर प्राइसिंग पार की बताएं तो देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ कैंसर, तो कैंसर की बात करें तो यहाँ पे पिल्स भी बनी हुई है, आपके कैप्सूल्स भी बने हुए हैं, प्राइसिंग पार क्या कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कई चीजों की, कई एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे बात हो रही है क्या, अब यहां पे बात हो रही है कि मोनोटोनी, मोनोटोनी की बात करें ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस की बात करें तो एक कहेंगे ना रेप्यूटेड, अपनी रेप्यूटेशन का फायदा उठाना और साथ साथ नीड को भी देखना। एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि कैंसर की पिल्स हैं, आप जानते हैं काफी महंगी आती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो जो पिल्स हैं एक पर्टिकुलर कंपनी ही बनाती है या कुछ पर्टिकुलर कंपनीज बनाती हैं, आप जानते हैं कि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई एक लिमिटेड है, ऐसे में वही कंपनीज एक लिमिटेड कंपनीज हैं, अगर प्राइस को बढ़ा दें तो क्या लोगों की इस पर्टिकुलर को खरीदने में कोई परेशानी होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उनकी नीड है, जो कैंसर पेशेंट है उसको हर हाल में वो दवाई चाहिए, एट एनी कॉस्ट वो कैसे भी परचेज करे, वहां पे मनी की बात नहीं आती है, मनी और डिमांड की बात नहीं आती है, वहां पे डिमांड एक यूनिवर्सल डिमांड है और उसको पूरा करने के लिए वो कंपनी अगर वो चाहे अपनी मनमानी करते हुए क्या कर सकती है, प्राइस को एनहेंस कर सकती है, और उस वजह से जो एनहेंसमेंट हुआ प्राइस का उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्राइसिंग पार। अब ये प्राइसिंग पार का एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं आपके थ्रू, एप्पल फोन सभी जानते हैं क्या होता है, एप्पल फोन सभी जानते हैं कि आईफोन हमें ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि एप्पल या आईफोन की बात करें, हार्डवेयर और बाकी फोन्स की बात करें तो क्या डिफरेंस है। अब टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे तो मुझे बताने लगे हैं क्या कि सर इसका ओएस बहुत अलग होता है, इसका ये होता है। एक सिंपल बात बताऊं, अगर उस प्राइस रेंज को बाकी फोन्स के प्राइस रेंज से कंपेयर किया जाए और इस फैक्टर को निकाल दिया जाए कि वो दूसरे देश में बनता है और चीजें हमारे देश में बनती हैं, फिर भी उनके प्राइसिंग ज्यादा रहती है। और प्राइसिंग ज्यादा रहने का कारण जानते क्या है, एक वर्ड आता है टारगेट ऑडियंस, एक वर्ड आता है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस क्या है, एप्पल कंपनी को पता है कि वो एक लिमिट से ज्यादा की डिमांड भी कर सकती है अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस से। टारगेट ऑडियंस का मतलब है वो उसका कस्टमर ग्रुप जो हर हाल में उसको फॉलो करता है, भले ही वो मार्केट से थोड़े ज्यादा की डिमांड क्यों ना कर दे। तो समझ में आ रहा है, ऐसे में ये क्यों हुआ, ये एक ब्रांड, यहां पर एक वर्ड आ रहा है ब्रांड, ये ब्रांड वैल्यू बनी कैसे, ब्रांड वैल्यू उसको अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने से बनी, उसने मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया और लोगों का विश्वास जीता, और विश्वास जीतने के साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्रांड के आउटपुट को बनाए रखा, और ऐसे में जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि उसकी ऑडियंस क्या बन गई, टारगेट ऑडियंस बन गई, मतलब इतना फैन फॉलोइंग हो गई और वो उसने अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी कर ली, बेंचमार्क क्रिएट कर लिया, और उस बेंचमार्क के चलते वो आज अपनी रेपुटेशन को बढ़ाते हुए और रेपुटेशन का फायदा उठाते हुए मार्केट से एक लिमिट से ज्यादा क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। और जब डिमांड करेगा, उसको पता है कि टारगेट ऑडियंस उसकी हर हाल में ले लेगी, तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन कहलाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल सही समझा आपने, देखिए क्या कहेगा, प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच
ऑर्गेनाइजर्स यूजेस देयर गुडविल टू फर्दर एनहांस द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और इसका आंसर है टारगेट ऑडियंस, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, एक कंपनी अपनी रेपुटेशन या फिर कहें गुडविल का इस्तेमाल करते हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज के दाम को फर्दर बढ़ा रही है, ये जानते हुए कि जो सामने वाला आदमी है या कंज्यूमर है वो हर हाल में उसका प्रोडक्ट परचेज करेगा। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्या आपको कोई दिक्कत आई है इस पर्टिकुलर सेशन में अभी तक? अगर आई है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कहें आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहां पे कोर इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कोर इन्फ्लेशन, कोई आइडिया है आपको कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर हो तो फटाफट लिख के देखिए, मैं देखना चाहता हूं कि कोर इन्फ्लेशन के बारे में लोग कितना जानते हैं। और चीजें सिंपल शब्दों में समझेंगे, कोई ज्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है। मेरा मानना है क्या कि अगर आपको चीजें समझनी है तो काफी सिंपल पढ़िए ना। क्या करना है, बुक्स में तो एडिशनल खराब सी लैंग्वेज लिखी हुई है, हमें समझना है बिल्कुल सिंपल शब्दों में। और सिंपल शब्दों में देखिए आज समझते हैं ना कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। अब देखिए कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर कोर वर्ड जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय कोर? कोर सुना है आपने, क्या होता है कोर? आपने अरे बचपन में भी सुना होगा, इवन ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी में भी सुना होगा, क्या क्रस्ट मेंटल कोर, कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, क्या आपने सुना? बिल्कुल सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये बात ना सुनी हो कि अर्थ का जो इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर का पार्ट होता है वो होता है कोर, और आउटर मोस्ट लेयर क्या है उसकी क्रस्ट, और बीच वाली मेंटल, तो क्रस्ट मेंटल कोर, तो यहाँ पे कोर उसी से ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है कोर, हाँ बिल्कुल कुछ मैं देख पा रहा हूँ, बेसिक बेसिक कहें या फिर वो पार्ट कहें जिसके ऊपर सारी चीजें क्या है आधारभूत है। आधारभूत का मतलब है सारी चीजें उसके ऊपर टिकी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल की बात करें, आप सभी देखते हैं कि जो घर वगैरह बनते हैं, जब घर बनते हैं तो घर बनने से पहले सबसे पहले क्या रखी जाती है, फाउंडेशन, जैसे हम कहते हैं नींव, तो वो नींव जो होती है वो फाउंडेशन होती है, वो सबसे स्ट्रांग बनाई जाती है क्या? बिल्कुल बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि सारे घर का स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर फाउंडेशन के ऊपर ही क्या होता है, स्टैंड करता है। इसका मतलब कोर वो पार्ट हो गया जिसके ऊपर एंटायर इकोनॉमी क्या करती है, स्टैंड आउट करती है। तो उम्मीद करता हूं कोर आपको समझ में आ गया होगा। तो कोर वो पार्ट होता है, और अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो आपकी कंपनीज होती है जिसके बिहाफ पे हमारे देश की इकोनॉमी काउंट होती है। तो उम्मीद करता हूं कोर समझ में आ गया होगा। अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो हमारे देश में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, और इन इंडस्ट्रीज में जब कभी भी प्राइस फ्लक्चुएशन होगा और उसका इफेक्ट पड़ जाएगा बाकी क्षेत्रों में। देखते हैं क्या है कोर इन्फ्लेशन। When inflation occurs in the core sectors of the economy, due to which the overall sectors gets affected, is known as core inflation. मतलब किसी एक एरिया में inflation आए जिसकी वजह से उसका जो effect है बाकी areas को भी affect कर दे, और जब ऐसा होगा तो केवल उस area में inflation नहीं रहा, वो overall inflation हो गया, और जब overall inflation हो गया तो उससे whole economy जो हो गई वो क्या हो गई, affected हो गई, और इस तरह के inflation को क्या कहेंगे, core inflation। इसका मतलब ऐसा inflation जो किसी एक sector में आए, और उस sector वो ऐसा सेक्टर हो जो कोर सेक्टर हो जिसकी वजह से बाकी एरियाज या बाकी सेक्टर्स भी डिफेंस आपके डिस्टर्ब हो गए, तो उस तरह का इन्फ्लेशन क्या कहलाएगा, कोर इन्फ्लेशन कहेगा। मैं चाहूंगा आप लोग ये सारी चीजें नोट ले कर लें। इंडिया में 8 कोर सेक्टर्स हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जरा गौर से सुनिएगा, एक बात बताइए, अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाए, मतलब अगर क्रूड ऑयल का एरिया मैं लूं और बोलूं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो ऐसे में क्या आलू टमाटर महंगा होगा क्या, बताइए फटाफट। अगर क्रूड ऑयल या फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आलू टमाटर महंगा होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल लिख के आ रहा है कि बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन में तो फ्यूल ही यूज हो रहा है, तो ऐसे में देखिए अगर फ्यूल बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए तो उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा आपको, जो भी मैं मतलब अगर रॉ मटेरियल्स की बात करूं या कोई भी बात करूं, आलू टमाटर की बात कर लेता हूं, तो उस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका मतलब इन्फ्लेशन आया किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में और बाकी इफेक्ट पड़ गया बाकी चीजों पे। तो इंडिया में ऐसे 8 सेक्टर्स हैं, अगर इन किसी भी 8 सेक्टर में एक जगह इन्फ्लेशन आएगा तो उसका इफेक्ट आपको पूरी इकॉनमी में देखने को मिलेगा, और इस तरीके के इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हां, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो 8 सेक्टर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या बात समझ में आ गई, चलिए मैं बढ़ता हूं सीखने नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आ जाता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन जस्ट ऑपोजिट है इसका, कोर इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट है स्क्यूफ्लेशन, जहां पे कोर ये शो कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेशन का इफेक्ट बाकी इकॉनमी पर शो करने को मिलेगा। स्क्यूफ्लेशन की बात करें तो किसी ऐसे एरिया में इन्फ्लेशन आ रहा है जिसका ओवरऑल इफेक्ट बाकी इकॉनमी पर नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा तो गौर से सुनिएगा, इसको बताने से पहले एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा चलिए मुझे बताइए, जो घर में गैस मम्मी लोग यूज करती हैं जिसपे खाना बनता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फटाफट मुझे लिख के बताइए, मैं देखना चाहता हूं किसको बताए,
जो भाई गैस होती है जिसके ऊपर हम लोग खाना यूज करते हैं बनाने को, मम्मा लोग बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। देखिए आंसर्स आने बड़े धीरे हो गए। एलपीजी स्टोव, एलपीजी। जिसपे खाना, कुक स्टोव, गैस ओवन, स्टोव। देखिए मैं बता रहा हूं, दैट इज कुक टॉप। जिसपे खाना बनाता है उसको कहते हैं कुक टॉप। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें, मैं इंग्लिश सुधारने नहीं आया हूं, लेकिन कुछ नए वर्ड्स अगर आप सीखते हैं तो उससे क्या बुराई है, उसको कहते हैं कुक टॉप। मतलब जो इंडक्शन, इंडक्शन की बात करें या वो ऐसी चीज जिसके ऊपर रखकर आप खाना बनाते हैं, तो जनरली हम लोग उसको गैस कहते हैं ना, तो गैस नहीं है, गैस तो एक्चुअली वो फ्यूल है जिसको बर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना बनता है, दैट इज एलपीजी। तो उसको कहते हैं कुक टॉप। तो अगर कुक टॉप की बात करें तो गौर से सुनिएगा, इंडक्शन कुक टॉप सुना है? बिल्कुल, इंडक्शन पैड सुने हैं कि नहीं? तो इंडक्शन पैड्स जिसके ऊपर खाना बनता है, अगर इंडक्शन टेक्नोलॉजी महंगी हो गई, और सुनिएगा, अगर इंडक्शन टेक्नोलॉजी महंगी हो गई तो इंडक्शन कुकटॉप्स बड़े महंगे होंगे या सस्ते होंगे? बिल्कुल सही बात है, अगर इंडक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो साथ साथ इंडक्शन जो कुकटॉप्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब गौर से सुनिएगा, इंडक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंडक्शन कुकटॉप्स महंगे हो गए, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या आ गया, इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेशन आया। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेशन आया तो क्या इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल इकोनॉमी पर? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, हमारे पास नॉर्मल एलपीजी से चलने वाले कुकटॉप्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसे में हम टोटल डिपेंडेंट नहीं है इनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पर्टिकुलर ब्रांड के एसी महंगे हो जाए तो क्या इसका ओवरऑल इन्फ्लेशन मार्केट में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि बाकी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब इसकी इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो कि पर्टिकुलर एक एरिया तक सीमित रहता है और उस इन्फ्लेशन का प्रभाव बाकी एरियाज पर नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और देखते हैं क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन। It is an unusual inflation where there is an inflation in one particular sector for a particular period of time while the other sectors is experiencing no changes at all or facing deflation. तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर समझ में आ गई है तो ध्यान से रखिए इस चीज को, ध्यान रखिए क्या, कि इसकी इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट है। कोर इन्फ्लेशन में जहां एक पार्ट पे करने को क्या हो जाता है, जब एक पार्ट के इन्फ्लेशन आने से बाकी पार्ट भी इफेक्ट हो जाते हैं, और यहां पे क्या है, एक पार्ट के इफेक्ट होने से बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ता हो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो मुझे फटाफट लिख के बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्या क्लियर हुआ है यहां तक? तो अगर क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया बॉटलनेक इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स क्या पता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है? कैसे पढ़ा ये वर्ड बॉटलनेक? व्हाट डू यू मीन बाय बॉटलनेक? चलिए बॉटलनेक इन्फ्लेशन तो दूर जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉटलनेक? बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? कोई ये नहीं कहेगा सर जो बॉटल का नेक होता है दैट इज नोन एज बॉटलनेक। प्लीज बताइए व्हाट डू मीन बाय बॉटलनेक? फटाफट मैं जानना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। व्हाट इज बॉटलनेक? बॉटलनेक काफी एक फेमस वर्ड है जो कि ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। व्हाट डू मीन बाय बॉटलनेक? छोटा सा, नो, फटाफट, और मैं देखना चाहता हूं किसको आंसर पता है। स्पाइरल, टॉप पार्ट ऑफ द बॉटल, पता नहीं सर। ऑब्स्टिकल्स, वेरी गुड, नैरो आइडिया। देखिए बॉटलनेक जनरली वर्ड यूज होता है बॉटलनेक सिचुएशंस के लिए। वो सिचुएशंस कहती हैं आपकी कौन सी? जनरली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को। आपने सुना होगा एग्जामिनेशन में यूज होता है वर्ड कट थ्रोट कंपटीशन। बॉटलनेक सिचुएशंस, बॉटलनेक सिचुएशन जनरली वो होती हैं, और कैसे होती हैं, कि जहां पे काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो। अब कैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो, कैसे ये वर्ड डिराइव किया, जरा गौर से सुनिएगा। आप बॉटल देख पा रहे हैं, बॉटल का ये जो पार्ट है आपने, क्या ये नेक है? जब इस बॉटल को इन्वर्ट कर देंगे, उल्टी कर देंगे, तो यहां से जब लिक्विड फ्लो करेगा तो इन एरियाज पर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एक ज्यादा एरिया से कम एरिया की ओर जा रही है, तो ऐसे में इस एरिया पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉटल नेक जो है आपका, एक्चुअल में जो बॉटल का नेक है, वहां से जब कोई भी फ्लूइड बाहर होगा तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर फील होता है, और ये प्रेशर आप ऐसे देख पा रहे होंगे। क्या बात समझ में आ गई? वहीं से वर्ड ये डिराइव किया गया है बॉटल नेक, जिसका मतलब है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जहां पे आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो। और ये क्या शो करती है, जरा गौर से सुनिएगा फटाफट। A drastic increase in the price level of goods and services where the demand is on the same level. गौर से सुनिएगा, मैं इसको बैक कर रहा हूं, और बैक करने के बाद आपको एक सिंपल एग्जामिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कैसे होता है बॉटलनेक सिचुएशन और क्या होता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है,
जब गौर से सुनिएगा, आपकी डिमांड एक पर्टिकुलर लेवल पे है और उसके पर्टिकुलर लेवल पे आपकी सप्लाई भी चल रही है, तो वेल एंड गुड कंडीशन चल रही है। लेकिन ड्रास्टिक मतलब एकदम से क्या हुआ, डिमांड तो यही है लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो डाउन होके यहां आ गई। अब डिमांड यहां आ गई तो ऐसे में क्या हुआ, इतनी गौर सुनिएगा, यहां पे सप्लाई, आई एम सॉरी स्टूडेंट, यहां पे डिमांड इतनी है और सप्लाई ड्रास्टिकली डाउन हो गई। अब जब सप्लाई डाउन हो गई तो सप्लाई तो इतनी कम है, इस डिमांड को पूरी करने के लिए क्या करेगी, जो लिमिटेड सप्लाई है उससे पूरा किया जाएगा, और उस लिमिटेड सप्लाई के दाम क्या अभी भी कम होंगे, नहीं, बढ़ जाएंगे। कैसे, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, कि आपने प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो मैगी सभी खाते थे, तो मैगी बीच में पता चला कि उसमें आपका खराब सब्सटेंस मिल रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ, आपने उसको खाना बंद कर दिया। अब गौर सुनिएगा, क्योंकि मैगी खाना सबने बंद कर दिया क्योंकि उसको पता चल गया कि उसमें हार्मफुल एजेंट्स हैं, आप नहीं खा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में जो हंगर था वो मन के अंदर छुपा बैठा था कि भाई जब भी कभी मैगी दोबारा से मार्केट में लॉन्च होगी हम फटाफट उसको कंज्यूम करेंगे। ऐसे में लेकिन वो हंगर हमारे अंदर ही छुपा रह गया, क्यों, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी ही नहीं थी, प्रॉपर रोक आ गई, हालांकि ऑल ऑल्टरनेटिव थे लेकिन उस वो बात उसमें नहीं थी बाकी ऑल्टरनेटिव में। जरा गौर सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। ऐसे में मान लीजिए बाबा रामदेव जी अपनी क्या करते, मार्केट में पतंजलि की मैगी लॉन्च कर देते, पतंजलि की नूडल्स मार्केट में लॉन्च कर देते, तो जरा गौर से सुनिएगा क्या हुआ, मार्केट में उन्होंने पतंजलि नूडल्स को लॉन्च कर दिया, जो हमारा हंगर था जो हमने अपने अंदर छुपाए बैठे थे वो क्या होगा, दोबारा से बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में सप्लाई आ गई है और हमारी डिमांड तो जो छुपी हुई थी वो तो उस लेवल पे थी, और जैसे ही मार्केट में सप्लाई आई उस सप्लाई को फटाफट ग्रैब कर लिया किसने, इस पर्टिकुलर डिमांड ने। तो अभी जो बड़े लोग मना करते थे, बेटा मैदा की चीज है मत खाओ मैगी वगैरह, अब क्या हो रहा है, अब दादी भी कह रही कि अरे भाई पतंजलि का टैग है जरा हमें भी खिला दो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब डिमांड उस लेवल पे थी, छुपी हुई थी, लेकिन उस डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई नहीं थी तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सप्लाई आ गई है, ऐसे में फटाफट उस सप्लाई को ग्रैब कर लिया किसने, इस पर्टिकुलर डिमांड ने। अब मार्केट में पतंजलि नूडल्स मार्केट में मिल रहे हैं और लोग फटाफट, अब ये डिमांड क्या होगी, और बढ़ने लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हंगर की वजह से जो स्टैटिक डिमांड थी वो थोड़ा डाउन हुई थी लेकिन दोबारा से डिमांड बढ़ने लगी। गौर से सुनिएगा क्या हुआ, मार्केट में एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई सच्ची बात मत मानिएगा, कि मान लीजिए मार्केट में पतंजलि के नूडल्स आ रहे थे और वो लॉट जो है खाई में गिर गया। अब खाई में गिर गया, किसी को कोई चोट नहीं आई, केवल लॉट चला गया। अब जरा गौर से सुनिए, मार्केट में पहला लॉट आया था, मार्केट में पहला लॉट आता ही फटाफट इस डिमांड ने इसको ग्रैब कर लिया, लेकिन दूसरा और मार्केट में लॉट आने ही वाला था कि उसका पूरा वैनिश हो गया, खत्म हो गया। ऐसे में जो पुराने लॉट के कुछ पैकेट्स होंगे वो क्या अभी भी उस पुराने रेट पे बिक रहे होंगे, नहीं बिक रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एकदम ड्रास्टिकली डाउनवर्ड हो गई। ड्रास्टिकली मतलब अचंभे से एकदम से क्या हो गई, डाउनफॉल हो गई, जबकि क्या है आपका, जबकि डिमांड आपकी उसी लेवल पर रही, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था उसके दाम क्या हो गए, बढ़ गए, और जब बढ़ गए तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया, और ये जो इन्फ्लेशन हुआ वो कहलाता है आपका बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जहां पे क्या होता है, अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाइल द डिमांड इज ऑन द सेम लेवल। इसका मतलब एक अचंभे सा इंक्रीज हो जाएगा प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, क्यों, क्योंकि डिमांड तो वही रही लेकिन जो सप्लाई थी वो एकदम से अब्रप्टली, आई एम यूजिंग द वर्ड अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब होता है एकदम से, अचानक से, और ड्रास्टिक का मतलब भी यही होता है। एंड सच सिचुएशन ट्रिगर्स इन्फ्लेशन इज नोन एज बॉटलनेक इन्फ्लेशन, और इस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बॉटलनेक इन्फ्लेशन। उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कि आपको समझ में आया यहां तक। तो बॉटलनेक सिचुएशन जनरली वर्ड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को शो करता है, तो यहां से आपका थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी क्लियर हो रही है और साथ साथ जीए के ये टर्म्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो हमारे ऑनलाइन पीएसएस में जरूर पूछ लीजिए। मुझे पता है स्टूडेंट्स लोग बहुत भूख लग गई है मैगी का नाम लेते ही, तो बिल्कुल पढ़ाई कर ली है, जाना ही क्या है, आप तो फटाफट खाना खा के आइएगा। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, और साथ साथ कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, जिससे कि अगर आपकी कोई डिमांड है तो उस डिमांड को हम आने वाले फ्यूचर में पूरा कर सके। जैसा कि आपने बताया क्या कि रैपिड फायर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनहांस किया जाए, तो बिल्कुल किया जाएगा और उसका लेवल भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कब होगा, जब आपके मेंस एग्जामिनेशन आएंगे। तो सारी चीजें पहले से ही प्रीप्लान्ड हैं। तो मैं दोबारा से कहना चाहूंगा सभी का थैंक्स, क्यों, जो जितने भी व्यूअर जुड़े हैं उनका सभी का थैंक्स। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे, और मिलेंगे टॉपिक कौन सा, इन्फ्लेशन पार्ट 2, और मजा आने वाला है। तो बिल्कुल इसी मजे के संग हमारे शो को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।